वो है डीजल। ओ हो सॉरी सॉरी मुलाना साहब। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? अल्लाह के ओके राज साहब, अगर आप इजाजत हो तो हम अपने दूसरे मेहमान को बुला लें। हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं इधर कैंडी क्रश की हो। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं शेख रशीद साहब, जो कि पिंडी बॉय के नाम से मशहूर हैं। देखें जी, मैं तो ठीक हूँ, मुलाना साहब की मुझे आज ठीक नजर आ रहे हैं। यार मुझे क्या हो रहा, मैं तो देख रहा था फिट फाट लगा। चलो बेटे चलो। शेख साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है जी जी, कि आपका धरना कामयाब क्यों नहीं हुआ? शाबाश वाला। देखें जी, आप तो मुझे जानते हैं, मैं जिधर चला जाता हूँ उधर कामयाबी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे एक बात बताओ यार, अगर इनसे सारे सवाल कर रहे हैं तो सामने प्रोजेक्ट जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसको ठीक कर दूं। देखें जी बदामी साहब, आप ऐसा करें इनको बकरा फ्राई करके ला दें, ये ऐसी मखलूक है जो 15 मिनट में पूरे का बकरा बक्सा सफाया कर देते हैं। बदाम तुम पता चल रहा क्या हो रहा? यार इसने भूख का बात किया और हमें हल्की फुल्की भूख लग गई, और तुम्हें पता है कि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का बकरा। मुलाना साहब आप मुझे बताएं कि 15 मिनट में पूरा बकरा कैसे काट? देखें जी वो रियाम खान, हमारा तुमने हमारा बाबी का नाम लिया ना, देखे इसका एक गोली मारेगा, इधर से मारेगा और इधर से निकलेगा। देखें जी खान साहब, ये आप गोली मार रहे हैं, केबल का कनेक्शन लगा रहे हैं। मैंने तो बाबी के बारे में कोई गलत बात नहीं की आपसे, आप तो माइंड ही कर गए। अच्छा मारा यार छोड़ो इस बात को यार। शेख साहब मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप बिलावल भुट्टो को खासी तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या वजह है? देखें जी छोड़े उसको, वो तो फनी खराबी टाइप बच्चा है, आप रहने दें उसे। बड़े शेख साहब तुमने उसके गोरे गोरे गाल देखे? तुमने उसके गोरे गोरे गाल तो छोड़ो, तुमने उसका चावल देखे? ना तुम उसकी चाल को भी छोड़ो, तुम उसको पिशावर बुलाओ ना, उसको तुम ठीक करो। मुलाना साहब देखें आप क्या बातें कर रहे हैं, लाइव शो चल रहा है। ओके बीबी, आप ये बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आजकल इजाफा क्यों हो रहा है? यार देखो यार, शेख साहब ने मरवा दिया, हर जगह हमारे डीजल डीजल का, छोड़ो यार। देखें जी इनसे बेहतर रेट कौन जानता है, जो भी हुकूमत होती है ये उनके साथ होते हैं। डीजल और पेट्रोल के तो रेट कम होते रहते हैं, पर इनका डेट तो निकलता ही जा रहा है।
खान साहब आप मुझे बताएं ये आपके हाथ में क्या चीज है? मड़ा ये हमारा रेड फूल है, ये ना इसको खा के हम हवाओं में उड़ते हैं। राणा साहब अगला सवाल आपसे, पूछो बिरजन ये बताएं आपके आजकल क्या इंटरेस्ट है? या तुम्हारा भाई आजकल जो ना कैट वॉक कर और साथ ही हिप हॉप चेक दिस ब्राउनी बोला ना तुम हिप हॉप को छोड़ो, मैंने तुमसे एक पहेली पूछना है। यस बेबी। अगर आदि स्विमिंग पूल में गिरेगा तो कैसे निकलेगा? बड़ा शेख साहब मेरा ये पहेली आपके लिए भी है। देखें जी ये जो आदि है ना ये तो सीधा होके निकलेगा। शेख साहब मेरा अगला सवाल आपसे सियासत से हटके एक सवाल है, आपके शादी के बारे में क्या ख्याल है? बदामी गुड क्वेश्चन, टाइम नहीं है चेंज द क्वेश्चन। यार बदामी आज मुझे पता क्या लग रहे हो तुम, रिश्ते करने वाली माई ज्यादा लग रहे हो और एंकर कम लग। साहब आप ये बताएं आज जो हमारा ये सेट लगा हुआ है कॉलस्टार का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार बदामी दिल से बताओ यार, बहुत अच्छा सेटअप किया है मैंने, लेकिन एक मसला हुआ मेरे साथ। क्या? यार मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे यार। क्यों? यार मेरा टिप फंस गया था यार। वो तो तेरा भाई कराटे चैंपियन है, फ्लाइंग किक मार के आया। यार बदाम एक बात बताओ, फिर सारी सियासत छोड़ो यार, एक सेल्फी लेते हैं यार, सेल्फी चलो चलो मेरा सेल्फी लेते हैं यार। और देखें जी मौलाना साहब मैं तो बीच में आ रहा ही नहीं हूँ। शेख साहब आपने किधर से आना है, इधर मौलाना का ट्रिप पूरा नहीं आ रहा, कब किधर से आएगा? मुझे एक बात बताओ यार, किस जगह पे जल्दी रोटी मिलेगा उधर बैठते हैं यार। चलो यार आओ आओ कम ऑन बेबी, चलो।